नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी सेवा में YouTube चैनल। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल बटन दबा दे ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, ये प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं, ये मैं एक्चुअली ये जो है कोनार्क का एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ये अमेजोन से मैंने परचेज किया है और बहुत अच्छा स्पीकर है। अभी मैं इसके रिव्यू आप लोगों के साथ करूंगा, तो वीडियो को एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अभी से हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये इको माइक बहुत ही अच्छा माइक है और मैंने इसे खोल के भी देखा है और कुछ इस तरह बहुत ही अच्छे ढंग में इस तरह जो है सो ये उपलब्ध है, सभी कलर सभी चॉइस में। तो ये मेरा ब्लैक है। ये कुछ इसका इंस्ट्रक्शन है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। वायरलेस स्पीकर फंक्शन पार्टनर्स, आउटपुट पावर RMS 3 वाट का है। फ्रीक्वेंसी भी 150 से 180 हर्ट्ज है। FM रेडियो भी है। स्पीकर 1.58 डबल स्पीकर है। कार्ड रीडर भी इसमें लगता है। FM रेडियो मिनी SD कार्ड मेमोरी जो कहते हैं वो भी यूज होता है। UC पोर्ट से भी ये बजता है। वायरलेस स्पीकर भी है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये किस इस तरह का कुछ है, ये कोनार्क इसका मार्का लगा हुआ है मिनी स्पीकर, और बहुत ही अच्छा इस तरह इसका लोगो सेम फिगर अंदर है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। इसे हम अलग करते हैं और तो फ्रेंड अब हम इसे कर लिए बॉक्स से बाहर। और इसकी मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देखने में बहुत ही अच्छी है, स्मूथ भी लग रही है। मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, इसके स्मूथनेस की बात करूं, इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो ये कोनार्क कंपनी से बनी हुई प्रोडक्ट है। और इसमें बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी नजर भी आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे में दे दूंगा, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। मैं इस डिवाइस की कुछ यूजफुल बातें बता दूं। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये एक चार्जिंग पॉइंट है। ये जो है सो AUX है, जिसमें आप इसकी आप मदद से इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है सो SD कार्ड है। ये यहाँ पे USB पोर्ट है। और यहाँ पे जो है सो ये स्पीकर है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्पीकर है, सेकेंड स्पीकर। यहाँ पे इसमें डबल स्पीकर दिया हुआ है। यहाँ पे एक FM रेडियो जो आप बजाएंगे, यहाँ पे ये बटन है, मैं इसे ऑन कर दे रहा हूँ। ब्लूटूथ मोड, यहाँ पे ये ओपनिंग साउंड कुछ देती है। यहाँ पे ये लाइट देख रहे हैं, इससे आप आसानी से जो है सो FM रेडियो यूज कर सकते हैं। ये आप फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस से भी आप इसे कनेक्ट करके हैंडल कर सकते हैं। और इसमें जो है सो देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे ये जो है सो स्टील दिया गया है। यहाँ पे आप जो इसे प्लास्टिक रबर यूज किया गया, इससे स्मूथनेस है और इसे देखने भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक तरह का स्टैंड है जिससे आप आसानी से इसे रख के, क्योंकि ये है सर्किल कार, ये गोलाकार है, बेलनाकार है, जिससे आप ये कहीं एक जगह बैठ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एक स्टैंड दे दिया गया जिससे आप आसानी से इसे कहीं भी बैठा सकते हैं। जिसे इस तरह से यहाँ पे देखिए, मैं बता देना ये यहाँ पे सेपरेट देखने जैसा कि आप लोग बैठ गया यहाँ पे इस तरह का है। तो ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसे यूज भी किया हूँ, बहुत दिन से नहीं बट अभी यूज किया हूँ। इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। मैं कोई गाना प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जरूर ले, इसे यूज करें। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोज नहीं है, ये बस एक रिव्यू वीडियोज है। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल बटन दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए।